हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज हम बनाएंगे पानी वाला अचार, जिसमें मैंने शलगम का यूज़ किया है। यह ऑयल फ्री अचार है और बहुत ही टेस्टी बनता है। सिंधी कम्युनिटी का फेमस अचार है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शलगम को धो लेंगे और फिर छील लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। पीसेस करने के बाद हम एक बर्तन में पानी और पीसेस को डाल लेंगे और इन्हें उबाल लेंगे। उबालने के लिए इसमें डालेंगे साथ में नमक और थोड़ी सी हल्दी और इसे 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इसका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसमें अच्छे से उबाल आ गए हैं। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये स्टीम से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ठंडे हो जाए। अब इसका पानी ठंडा हो गया है। अब हम इस पानी को छान लेंगे। अब सारा पानी हमने ड्रेन कर लिया है और यह ठंडे भी हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक हमने पहले भी उबालने में डाला है, और हल्दी भी डाली है। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, मस्टर्ड सीड डालेंगे पिसी हुई 2 चम्मच यानी कि काली राई, इसको आप मिक्सी में पीस सकते हैं, और पीली राई हो तो भी आप वह भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच हरी लहसुन लेंगे, इसे भी थोड़ा मिक्सी में चला लेंगे और इसे भी डालेंगे। अब इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी ताकि अचार अच्छे से डूब जाए, उतना पानी डालेंगे और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साफ़ और सूखे जार में अचार डाल देंगे। 2 दिन में हमारी अचार अच्छे से तैयार हो जाएगी। यह ऑयल फ्री पानी वाला अचार बनकर तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। सिंपल से दाल चावल में भी बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है इससे। यह टेस्टी है पर इसकी शेल्फ लाइफ अराउंड 10 डेज तक ही रहती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।